शब्दटी ही सब किछि वर्णना करुछि। जोटि शब्द एते किछि कहुछि हुए तो सेठी आमे जेते जहा कहिले भी से शब्द आगरे कम रहिबो। प्रथमे तो स्वागत जणै पय चाहिबी आपनको हृदयर रानी एंड आम समस्तक फेवरेट एंकर प्रेरणा प्रतीक्षा मैम को। मैम हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, आपनको एक्सपीरियंस केमती रहिला पीपल ओडिया रे इवेंट रे सहयोग करी कि केमती कोन लागिला? आई एम ए ओल्डर फॉलोअर, मु आगरु ही फॉलो करे पूरा आपनको चैनल को, देखे सब किछि कंटेंट बहुत वेल मेंटेन्ड वे ऑथेंटिसिटी मेंटेन करके पूरा कंटेंट से प्रिपेयर करती। तो आई ऑलवेज एडमायर द होल टीम जो मैंने भी बैकएंड रे काम करुछंती थ्रू द कंटेंट एंड एवरीथिंग। एंड आज आसिकी बहुत खुशी लगुच, गोटे बहुत ही सुंदर प्रयास, गोटे बहुत सुंदर संगठन एंड स्टेज उपर जो जो जिनस सब घटू, जो पर्सनालीटी मैंने बसुँचंती, जो जो कथा कहुचंती एंड ता सहित ओडिसारो किछि विशिष्ट एवं प्रतिष्ठित महिला मानक सहित गोटे स्टेज शेयर करिकी एवं गोटे इवेंट शेयर करिकी बहुत खुशी लगुच। तो मैम आपणकर ए जो बीपीएल ओडिया रे ए जो प्रयास टी स्वयं सिद्धा ता उपर आपण कोन कहे पय चाहिबे? शब्दटी ही सब किछि वर्णना करुछि। जोटि शब्द एते किछि कहुछि हुए तो सेठी आमे जेते जहा कहिले भी से शब्द आगरे कम रहिबो। इवेंट टी बहुत सुंदर बोली कहबी। आ जो महिला माने आज आसिछंती, जो मानंकु ए संवर्धना रे बाय सम्मान रे सम्मानित करा गला, से महिला मानंकर अनुभूति एवं अभिज्ञता ही कहुछि स्वयं सिद्धार प्रकृत मानेटा कौन। निहाती भाबरे आप एबे तो जानिछंती नवरात्रि चलछि, दशहरा रे आपण केमती कोन सेलिब्रेट करंती? जेतेबेले छुआ थिलु आम माने सेतेबेले आमे आम पई आउ आम परिवार पई का प्रत्येकटी पर्व को सेलिब्रेट करथुलु। जेबेठु कलाकार साजिछु सेबेठु दर्शक मानक पई का प्रत्येकटी ओकेजन को सेलिब्रेट करू। अन्य दिन रे मोर अन्यान्य काम थाए, जेंतु मु किट यूनिवर्सिटी रे जॉब करे, जेबे जेबे ओकेजन आसे मो जॉब रु मते छुट्टी मिल जाए, किंतु से समय रे मोर इवेंट्स हला कि शूटिंग हला से सब बढ़ी जाए, कारण ओकेजन आम सेलिब्रेट करूँ आम दर्शक मानक सहित आम प्रशंसक मानक सहित। तो दशहरा ऑब्वियसली इवेंट्स अच्छी तो दर्शक मानक सहित ही सेलिब्रेट हम। गोटे दिन मुझे इवनिंग रे प्लानिंग रखी जे दांडिया खेलिया को जी। जन कलाकार हिसाब से आपंकर एक्सपीरियंस कौन कह चाहिए? कलाकार हिसाब से एक्सपीरियंस गोटे दुई सब मैंने धाड़ी रे वर्णना करवा बहुत कष्ट। मु बहुत कम बयसरु डांस करूली, तो डांस रु मोर आरंभ, डांस परे एंकरिंग, तो एंकरिंग परे आपण मैंने जो छोटे टे गीत बेले बेले देखी दौन मो हजबैंड सहित मत छोट छोट प्रयास मोर। तो गोटे कलाकार हिसाब से वर्णना करने को जी जदि मो एक्सपीरियंस को ताले बहुत किसी कह पड़ो, किंतु हाँ गोटे कलाकार है कि मुझे केवे रिग्रेट फील करनी, केवे अफसोस करनी गोटे कलाकार हबार। कलाकार हबा दर्शकों प्रशंसा पाइबा, दर्शकों पाखे आदृत हबा गोटे भगवान को आशीर्वाद बोली मुझे। आपण आम पाई नुहे आम दर्शक मान भी जो रोल गोटे विशिष्ट रोल मॉडल कहपर तो कौन आपड़ बार्ता देवाई चाहिए केमती कौन मोटिवेटेड आम कम रही पारू ये फील्ड को नहीं कि आम पैशन को नहीं कि प्रथम तो कह समस्त कह किए ना किए जड़े रोल मॉडल था एंड मोटिवेट करिया कथा जदि कह आमे निजू निजे अधिका कहीं भी मोटिवेट करें। प्रतिदिन सका उठिले मुझ आग आईनारे निज मुहटा को देखिदे एंड राति रे सोइला बेले मु प्रतिदिन कैलकुलेटिव हुए आज दिन रो प्रोडक्टिविटी मोर कौन। तो एडा गोटे छोटो प्रिंसिपल मु समस्त को कहबी, सका उठिले आज आम कौन करिबा एवं राति रे सोइला बेले आज आम कौन कौन करिचे एडा कैलकुलेट करिबा निहाती दरकार। कोठी ना कोठी एडा मो प्रोग्रेशन हला कि आम प्रोडक्टिविटी दीटा जाकर सहाय करिबो निहाती भाबरे। जडा आर्टिस्ट नारी रो जो एज ए आर्टिस्ट जडा नारी आपण कौन कहे पय जाबे केमती कौन बैलेंस करंती आपण को वर्क लाइफ हो आपण को होम लाइफ हो केमती कौन करंती? गोटे समय थिला जो समय रे झियो मानकु केवल पाठ पढ़ाऊ नथले, फिफ्थ सिक्स जाए पाठ पढ़ाऊ, पंचम षष्ठ जाए तापर तांको बाहा कर दिया जाउथला। तापर गोटे समय आसला झियो मानकु दशम पास करैले, तापर ट्वेल्थ पास करैले, तापर समय आसला मां माने बापा माने कहिबाकु लागिले जे पिला झियो तू पाठ पढ़ बिकज पाठटा बहुत इम्पोर्टेंट, किंतु बाहाला परे सेमाने घरे रहिले चाकरी करि पलेने। एबे गोटे समय आसी बापा माँ मैंने कहते ना आम झी चाकरी कले आम बाहा करूँ, तो से समय भी आम देखीचे
ସମୟ ସହିତ କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଡବଲ ଅପ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି, ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ, ପାଠ ପଢ଼ିକି ରୋଜଗାର କରିଛୁ, ଜବ୍ କରୁଛୁ, ୱି ଆର୍ ଓଭର କମିଟେଡ୍, ମାନେ କାମ ସହିତ ଆମ ପ୍ରଫେସନ୍ ସହିତ ଆମେ ଘର ସମ୍ଭାଳୁଛୁ, ଆମେ ଆମ ଦୁଇଟା ପରିବାରକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛୁ। ତା ସହ ତେଣୁ ସମୟ ସହିତ, ଯୁଗ ସହିତ ଝିଅମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଛି, କେବେ କମିନି। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଝିଅମାନେ ବୟସ ସହିତ ସବୁକିଛି ଶିଖିଯାଆନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାକୁ ପଡ଼େନି। ମାଆ ବଡ଼ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି, ସବୁ ଶିଖିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିବାରରେ ଆସିଲା ପରେ ବି ନୂଆ କମିଟମେଣ୍ଟ, ନୂଆ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସହିତ ତାକୁ ବି ସୁଧାରିବା, ତାକୁ ବି ଜୀବନରେ କେମିତି ଆଗେଇବା, ଗତିଶୀଳ କରିବା, ସେଇଟା ଜାଣିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ନାରୀ ହିସାବରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆସେ, ବଟ୍ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଲିଭଉଛେ, କେମିତି ନେଉଛେ। ଆଉ ଆମ ପରିସ୍ଥିତି, ଯେଉଁଟା ଆମ ପରର ସ୍ଥିତି, ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଆମ ପରିସ୍ଥିତିଟା କ'ଣ ଅଛି, ବହୁତ ମ୍ୟାଟର୍ କରେ।